नमस्कार, मैं हूं फिरोज हाशमी। आज मुमरा शहर में सबसे ज्यादा अगर कोई परेशान है तो वो बिजली विभाग के अधिकारियों से। होंडे करी जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, लेकिन उनके अंडर में जगह जगह खोले ब्रांचों में जो अधिकारी बैठाए गए हैं, या तो वो नदारद मिलते हैं या फिर उनकी अकड़ से, उनके रवैये से मुमरा की जनता परेशान है। क्यों परेशान है हम आपको आगे बताएंगे। महावितरण कहती है मुमरा की जनता बिल नहीं भरती है। 50% लोग बिल भरते हैं, तो फिर 50% बिल क्यों नहीं भरती है? क्योंकि जिसके घर में 1000 बिल महीने की आती है और 50,000 आ जाए तो वो बिल कैसे भरेगा? आप ही बताएं कैसे भरेगा। अब आप कहेंगे अधिकारियों से संपर्क करना चाहिए, बिल को ठीक कराना चाहिए, लेकिन जब अधिकारी ग्राहकों की बात सुनेंगे नहीं, उन्हें सीधा उदाहरण देते हैं, ऊपर से ऑर्डर है पूरी बिल भरने का, तब ग्राहक क्या सोचता है? ये जगह जगह अधिकारी क्यों नियुक्त किया गया है? बिजली विभाग से जुड़ी ग्राहकों की समस्याओं को सुलझाने के लिए, या फिर अंधाधुंध बिल वसूली करने के लिए, या सिर्फ वसूली करके महावितरण की तिजोरी भरने के लिए? आज आप मुमरा के किसी भी महावितरण कार्यालय पर चले जाओ तो पहले तो नियुक्त किए गए अधिकारी नदारद मिलेंगे, और मिल भी गए तो ये कहकर उन्हें आगे भेज देते हैं, यहाँ नहीं वो वाली ऑफिस पर जाओ, यानी मुमरा शहर के साथ मुमरा में रहने वाले लोग महावितरण के अधिकारियों के रवैये से परेशान हैं। मेरे पास ऐसे बहुत से मिसाल हैं जिनके घर में 1000 लाइट बिल आता था, अब उनके घर में 1,50,000 तक आता है। ऐसे कई बिल मेरे पास मौजूद हैं। कई ऐसे लोगों ने भी शिकायत की है जो 6-6 महीने से दौड़ रही हैं अपनी बिल सही कराने को, जिनके पांव के चप्पल तक घस गए हैं अधिकारियों के पास दौड़ दौड़ कर, मगर बिल सही नहीं हुआ है। क्या होंडे करी जो कि इंचार्ज हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, क्या उनके सामने इस तरह की समस्याएं नहीं आती हैं? उनकी जवाबदारी क्या है? उनकी जवाबदारी सिर्फ पैसे वसूलने की है, कंज्यूमर को सुविधा देने की नहीं है? हमें बताने में बड़ा आश्चर्य हो रहा है, मुमरा में 3 कार्यालय खुले हैं महावितरण की। आज एक कार्यालय पर ठाणे महानगर पालिका ने ताला लगा दिया, यानी बिजली विभाग की कार्यालय को सील कर दिया। हम आपको बताते हैं क्यों सील किया। क्योंकि ये इनके कार्यालय की टैक्स नहीं भरा हुआ है। हालांकि ये पहली बार नहीं है, ऐसे कई बार कार्यालय में ठाणे महानगर पालिका सील कर चुकी है। ये कार्यालय नशेमन कॉलोनी में है जो अब बंद है। आम जनता यहां वहां भटक रही है। मुमरा शहर के नेता अपने भाषणों में मुमरा शहर को लेकर बड़ी बड़ी बात करते हैं, विकास की गंगा बहा दिए हैं, कि मोहर लगा दिए हैं। क्या कभी महावितरण की अंधाधुंध बिल और अधिकारियों के रवैये पर ध्यान दिए हैं? कैसे ध्यान देंगे, उन्हें पेपरों में अपनी बड़ाई के सिवा कुछ दिखाई ही नहीं देती। विकास की मोहर यही है, जनता महावितरण से परेशान रहे, अंधाधुंध बिल भरने पर मजबूर रहे, अधिकारियों के रवैये से परेशान रहे और नेता खामोश रहे। ऐसे तो मुमरा में नेताओं की अगर बात करें तो सैकड़ों नेता गली कूचों में मिल जाएंगे, मैंने ये किया वो किया कहते, लेकिन ये कोई नहीं मिला बिलों की गड़बड़ी, अंधाधुंध बिलों को सुधारने के लिए आवाज उठाने वाला। मैं 8 महीने से लगातार नशे मन जाती हूँ, बिल भरो बोलते, बिल का पैसा दे ले लेते और फिर बिल को कुछ कर रहे नहीं। और 8 दिन हो गया मैंने पैसा भी भरा, 177 सर ने दिया, तो उन्हें 250 रुपया लिया, वो भी पैसा अब कुछ नहीं कर रहा, ना मीटर चेक कर रहा ना कुछ कर रहा। रवि ने आके बिल चेक करा, मेरा 2 बल्ब और 2 लाइट है, चेक करके फिर जो ही बिल दे रहा 1,500-2,000। कौन से एरिया का है ना ये? कौसा कब्रस्तान सामने ना, आइडियल मार्केट के पीछे जैनब पंप ले, 2 ही लाइट और 2 ही पंखा है, चेक करके गया रवि ने। हाँ। और अभी फिर वही कर रहा, क्या बोल रहा साहब? साहब क्या बोल रहे साहब से मिलने जाते हैं क्या बोलते? 10 बार मैं 6 महीने से नशे मन के पास जाती, यहाँ आती, इसके पास जाती, वो बोलता वहाँ जाओ, आखिर में सिर फाटे पे वहाँ भी जाके मैंने कंप्लेन लिखी। मतलब ये लोग यहाँ से वहाँ भगाते हैं? 6 महीना हो गया, 6 महीने से बिल भरो, 2,000 भर, 1,500 भर, 3,000 भर, भर भर के भर भर के 8 महीना और पूरा बिल मेरे पास है। चेक करके गया, 2 बल्ब 2 लाइट पंखा लिख के भी दिया, मैंने पाटिल सर को बताई, वो उसको बता, इसको बता, अभी मौर्या सर को बताई, वो पूछ बात नहीं करते, क्या करना है इनका?
तो इसके बारे में और कहाँ कहाँ शिकायत की है तुमने? एक बार कंप्लेंट मार दिया ना होंडेकरी साहब को, शिकायत की है क्या? जो मेन इसके एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है ऊपर ना, ये ऊपर इसके पहले भारत गेयर में है। वहाँ भी भारत गेयर में भी मैंने कंप्लेंट नोटिस भेजा है, कंप्लेंट दिया कि मेहरबानी करके बिल ये करो या तो फिर मेरा मीटर चेंज करो या मेरा बिल कम करो। नगर अध्यक्ष पास से लिख के ले जाके भी दी मैंने, तो कुछ भी ऑब्जेक्शन नहीं ले रहे। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।